सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के, स्वागत है आपका। राजीव राय साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव जी स्वागत है आपका। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है सर। अरुण प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है सर। अरुण राजभर महासचिव हैं और प्रवक्ता हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के और पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय निषाद साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष है। संजय जी आपका भी बेहद स्वागत है। आप सभी से बारी बारी पहले मैं इस परिवारवाद पर अपना ओपनिंग रिमार्क चाहूंगी और उसके बाद हम डिबेट ओपन करेंगे। सुधांशु जी आपने अखिलेश यादव को सुना, वो ये कह रहे हैं कि आपने यानी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के परिवारवाद को खत्म कर दिया, आपने उस पार्टी को मुक्त कर दिया है परिवारवाद से। देखिए समाजवादी पार्टी के अगर आप वितरक को देखें तो विगत 2-3 दशकों में यहां सब कुछ नजर आएगा, यहां अपराधवाद नजर आएगा, यहां भ्रष्टाचार आपको मिलेगा, यहां पर जातिवाद मिलेगा, यहां पर अल्पसंख्यकवाद मिलेगा, यहां भाई भतीजावाद मिलेगा, परिवारवाद मिलेगा, नहीं मिलेगा तो समाजवाद नहीं। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं यदि किसी परिवार का कोई व्यक्ति आकर राजनीति में शामिल होना चाहे वो एक अलग विषय है, उसको हम रोक नहीं सकते, परंतु एक परिवार के सारे लोग, अब मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और पंचम तत्व बैठते थे तो लखनऊ में कहावत प्रचलित थी कि 5 मुख्यमंत्री, 5 कौन? एक अखिलेश यादव जी, एक मुलायम सिंह जी, एक शिवपाल जी, एक प्रोफेसर राम गोपाल जी और 5वें आजम खान। अब बताइए 5 में से 4 क्या थे? तो एक ही परिवार के थे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं मुलायम सिंह जी के परिवार का, अच्छा एक व्यक्ति बताया जाए जिसके पास कोई ना कोई पद ना रहा, इसे कहते हैं परिवारवाद, यानी कि सारी की सारी राजनीति का नेतृत्व। और अंत में एक बात कह दूं, अंतर क्या रहता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में आज नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई पूछे 2030 में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं बता सकता। 2010 में गडकरी जी अध्यक्ष थे, उससे पहले 2000 में जिना कृष्णमूर्ति जी थे, बीच में राजनाथ जी थे और अमित शाह जी थे। परंतु यदि सपा में पूछा जाए 2030 में कौन अध्यक्ष होगा, तय है इसी परिवार का होगा। कांग्रेस में पूछा जाए कौन अध्यक्ष होगा, तय है इसी परिवार का होगा। इसे परिवारवाद कहते हैं कि आप पार्टी का सारा नेतृत्व विचारधारा का लबादा ओढ़कर अपने व्यक्तिगत परिवार को ही देना चाहे। जैसे रूबिका जी आप एंकरिंग कर रही हैं तो आपके परिवार का कोई व्यक्ति एबीपी न्यूज में या पत्रकारिता में नहीं आएगा, ऐसा नहीं, इसको रोक नहीं सकते। परंतु ये तय हो जाए कि जब भी कभी आप भविष्य में एंकरिंग छोड़ेंगी तो आपके ही परिवार के किसी व्यक्ति को एंकरिंग मिलेगी। इन परिवारवादी दलों ने यह कर रखा है, इस कारण से समझ ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।